कटहल आम का सीजन चल रहा है, ऐसे में घर घर में खूब आम के अचार बन रहे हैं और कटहल के अचार बन रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू आज आपको बताऊंगी कि कटहल का अचार कैसे बनाया जाता है जो कि सालों साल चलता रहता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक ताज़ा कटहल लिया है, ये 1.5 kg का है। अचार के लिए कटहल कच्चा होना चाहिए। अब कटहल को हम काट लेंगे। इसके पहले हम हाथ में तेल लगा लेंगे जिससे इसमें जो चिपचिपा पदार्थ होता है हाथ में चिपके नहीं। कटहल को काटने के लिए हमने सब्जी काटने वाला हंसिया का उपयोग किया है। अगर आपके पास तेज धार का चाकू है तो आप उससे भी काट सकते हैं। पहले हम कटहल को 2 से 2 टुकड़े करेंगे। ये देखिए कितना ताज़ा कटहल है, ये इसके चिपचिपे पदार्थ से पता चल रहा है। ये दूध जैसा पदार्थ होता है लेकिन हाथ में लगने पर ये चिपचिपा हो जाता है और जल्दी छूटता नहीं है। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, यानी कि पतले पतले पीसेस करेंगे जिससे छीलना आसान हो जाएगा। आप अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी इसको काट सकते हैं और छील सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कटहल के काटने के बाद से हम इसके बीच वाला पार्ट निकाल देते हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। अब जिस बर्तन में हमें कटहल काट कर रखना है, छील कर रखना है, उसमें हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे इसमें चिपचिपा पदार्थ ना लगे। अब हम कटहल के टुकड़ों का छिलका उतार लेंगे। ये देखिए ऐसे उतारना है। कटहल के सभी टुकड़े छील चुके हैं। अब इन्हें हम मनपसंद आकार में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। कटहल के टुकड़ों को धोने के लिए हमने उबले हुए पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम कटहल के टुकड़ों को काटते हुए गर्म पानी में डालते जाएंगे। हमने पूरे कटहल को काट लिया है। अब हम आपको बताएंगे जो हंसिए पे कटहल का जो चिपचिपा पदार्थ लग गया है इसे कैसे छुड़ाएंगे। इसे हम सबसे पहले गैस पे गरम कर देंगे। गरम करने पे ये प्लास्टिक की तरह पिघलने लगता है और उसके बाद हम पेपर से पोंछ देंगे तो हंसिया आसानी से साफ हो जाता है। कटहल के टुकड़ों को पानी में डालकर, यानी कि गर्म पानी में डालकर हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे कटहल थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम कटहल के टुकड़ों को छानकर एक साफ सूखे कपड़े पर फैला देंगे। अगर धूप में डालना है तो आप 1 से 2 घंटे तक इसे धूप में डाल दें, लेकिन ढक कर डालें जिससे ये सूखे नहीं। हम कटहल को इसलिए सुखा रहे हैं कि इसमें नाम मात्र के लिए भी पानी ना रहे, क्योंकि पानी अचार का दुश्मन होता है। जब तक कटहल सूखता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने 4 कच्चा आम लिया है, ये लगभग 1/2 किलो आम होगा। अब इन आमों को हम धोकर अच्छे से कपड़े से सुखा लेंगे। उसके बाद इन आमों को हम कद्दूकस कर लेंगे। ये लीजिए, सारे आम कद्दूकस हो चुके हैं। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं।
सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उस पर एक पैन रखेंगे। पैन में हम 2 टेबल स्पून मोटा सौंफ, 1.5 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून मेथी डालेंगे और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हल्का रोस्ट करने के बाद इसमें हम सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से सूखी लाल मिर्च डालें। अब इसमें हम 1/2 कप सरसों के दाने डालेंगे। हमने पीले सरसों का इस्तेमाल किया है, कुछ लोग इसमें काली सरसों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब सरसों को भी हम हल्का ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस मसालों में से मॉइस्चर ख़त्म हो जाना चाहिए। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब उसी गर्म पैन में हम 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और उसे भी रोस्ट कर लेंगे। इन्हें रोस्ट करने के लिए हमें गैस जलाने की ज़रूरत नहीं है, ये गर्म पैन में ही रोस्ट हो जाएंगे। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक मसाले ठंडे होते हैं तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम 1/2 कप सरसों का तेल गरम करेंगे। अचार में डालने के लिए सरसों का तेल ही अच्छा होता है, सरसों के तेल से अचार का टेस्ट बढ़ जाता है। तेल को भी हम मॉइस्चर ख़त्म होने के लिए ही गरम करते हैं, कभी भी अचार में कच्चा तेल नहीं डालें। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम कटहल के टुकड़े को डालकर हल्का फ्राई करेंगे। कटहल को ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा गलाना है। कटहल को बिना फ्राई किए भी अचार बनता है, आपको जो अच्छा लगे वैसे भी अचार बना सकते हैं। कटहल के हिसाब से बर्तन छोटा पड़ गया है, इसलिए हम बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इसे बड़ी कढ़ाई में डालकर फ्राई किया है। कटहल फ्राई हो चुका है, मसाले भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम मसालों को मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। बहुत बारीक भी नहीं करेंगे और बहुत मोटा भी नहीं करेंगे। ये देखिए मसाले पीस चुके हैं। अब कढ़ाई में से कटहल को निकालकर हम एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम फिर से तेल गरम करेंगे। हमने फिर से 1/2 कप तेल लिया है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। हींग अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करता है और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इसमें हम कलौंजी और अजवाइन डाल देंगे। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। याद रहे कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता है, इससे अचार में कलर खूब अच्छा आता है। अब हम 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अब तेल में हम सभी पीसे मसाले डाल देंगे। उसके बाद मसालों में हम 1/2 कप नमक डालेंगे। मेजरमेंट ये होता है कि 2 किलो अगर अचार है तो उसमें 1/2 कप नमक पड़ना ही चाहिए। नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अगर नमक कम पड़ता है तो आपका अचार खराब हो सकता है।
अगर कभी भी आपको लगे कि आपका कोई भी अचार खराब हो रहा है तो आप उसमें नमक मिलाएं और धूप में रख दें। मसाले और नमक तेल में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम कद्दूकस किए हुए आम डाल देंगे और इससे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आम मिक्स करने के बाद इसमें हम फ्राई किए हुए कटहल भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे मसाले हर टुकड़े पे कोट हो जाएं। मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे हम एक बाउल में, या तो प्लास्टिक का बाउल हो या फिर कांच का बाउल हो, उसमें निकाल कर हम धूप में एक दिन के लिए रख देंगे। धूप में रखने के बाद हम साफ सूखे कपड़े से इसे ढक देंगे। अगर धूप डायरेक्ट पड़ती है तो अचार ज़्यादा सूख जाएगा और वो टाइट हो जाएगा। धूप में से लाने के बाद अचार को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद डब्बे में भर लेंगे। डब्बा आप कोई भी कांच का डब्बा ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक का, जो फूड ग्रेड हो वो ले सकते हैं। अचार को डब्बे में रखने के बाद से हम इसमें थोड़ा तेल और डालेंगे। तेल को हमने पहले से गरम करके ठंडा करके रखा हुआ है। अचार में तेल हम इतना डालेंगे कि अचार इसमें अच्छे से डूब जाए। अचार तेल में डूबा रहेगा तो खराब होने की संभावना कम हो जाती है। अचार को लीड बनकर आप चाहें तो 4-5 दिन तक धूप भी दिखा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।